चलो मैं आज से अपन मध्य प्रदेश का ग्राइंड स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। आज कितनी तारीख है? 26। तो 26 तारीख से अब रेगुलर हम लोग जो है कि क्लास में करंट को करेंगे। और जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं एक एक करके बताऊंगा, और बाद बाकी इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो एक एक करके आज अपन देख रहे हैं। आज अपने पास में 7 खबरें हैं मध्य प्रदेश की। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, खबर ये मिलेगी कि यूनिफाइड लाइसेंस बनाने में देश का पहला राज्य कौन सा बना है। यूनिफाइड लाइसेंस बनाने में, तो यूनिफाइड लाइसेंस बनाने में पहला राज्य कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश। अच्छा, दूसरा सवाल है कि यूनिफाइड लाइसेंस क्या होता है। यूनिफाइड लाइसेंस का मतलब है कि ऐसा लाइसेंस, जैसे आपका आधार कार्ड बनता है जिसमें आपकी बायोमेट्रिक पहचान होती है, तो उसी पहचान के आधार पर आपको लाइसेंस मिलेगा। तो अब लाइसेंस में आपकी फोटो, आपकी बायोमेट्रिक पहचान, आपकी उंगलियों की छाप, पुतलियों की जो है कि इमेज, ये सब कुछ होगी, ठीक है। तो अगर देखो यूनिफाइड लाइसेंस बनाने में पहले स्थान पर है, तो आपसे सवाल किया जा रहा है कि परिवहन मंत्री कौन है? गोविंद सिंह राजपूत, ठीक है ना। खुदा रखता है परिवहन मंत्री मध्य प्रदेश के गोविंद सिंह राजपूत है। अब देखो दूसरा सवाल, अभी क्या है कि विश्व वायु गुणवत्ता सर्वे हुआ, और इस सर्वे में जब एक इंडेक्स बनाया गया, तो इंडेक्स बनाने में हमारे मध्य प्रदेश के सभी जितने भी आपके शहर हैं उनमें सबसे क्लीन सिटी के रूप में किसे शामिल किया गया है? सतना। अच्छा, तो सतना के बारे में दो सवाल आते हैं। सतना को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेंट नगरी। और सतना को हम लोग बोलते हैं संगीत नगरी, क्योंकि सतना में मैयर पड़ता है, और मैयर में हम लोग देखेंगे संगीत नगरी, हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये दूसरा सवाल हो गया सतना। तीसरा हम लोग देखेंगे कि अभी देखिए होली आने वाली है, और होली से पहले भील लोगों में एक त्योहार मनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं भगोरिया हाट, ठीक है। लेकिन भगोरिया हाट से पहले, अब भगोरिया हाट में नए नए कपड़े पहनने हैं, चीजें लेनी है, तो भगोरिया हाट से पहले हमारे यहाँ पे कौन सी हाट होगी? त्योहारिया हाट। अच्छा, इसका त्योहारिया हाट का क्या कंसेप्ट है? अगर त्योहारिया हाट का कंसेप्ट ये है कि अगर ये समझ लीजिए कि त्योहारिया हाट में लोग अब जाएंगे, कपड़े वपड़े खरीदेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि भगोरिया हाट भी बहुत अच्छे से मनने वाला है। और भगोरिया किसका पर्व है? ठीक है, तो भगोरिया हाट की शुरुआत से पहले त्योहारिया हाट शुरू हो चुकी है, और ये कहां कहां पर है? झाबुआ है, अलीराजपुर है, धार है, बड़वानी है, यानी कि पश्चिमी जिले जितने जितने आपके वहां वहां पे होगी। तो याद रखना है त्योहारिया हाट, ये भगोरिया हाट, ये जिले आपको याद रखना है। जाति कौन सी हो गई? भील। अच्छा, तो यहाँ पे एक सवाल, यहाँ पे सवाल है कि आदिवासी मंत्री कौन है? आदिवासी मंत्री ओमकार सिंह मकरा, ठीक है, ओमकार सिंह मरका, मरका, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, चलिए चौथे नंबर पर देखिए, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, कि आदिवासी बच्चों को अब इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाना है, मतलब इंग्लिश की शिक्षा उनको देनी है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तरह से हम लोग शुरू करेंगे, और ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह से हम लोग कहां पे शुरू करेंगे? भोपाल। और तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आदिवासी बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा प्रदान की जाएगी, और ये कहां से शुरू की जाएगी? भोपाल इंदौर। अच्छा, भोपाल और इंदौर में जितने भी हमारे एकलव्य आदर्श विद्यालय है वहां पर ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, ठीक है। तो बताइए स्कूली शिक्षा मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी। चलो भाई, यहाँ पे भी लिख लेते प्रभुराम, ठीक है, प्रभुराम चौधरी, ठीक है भाई। चलिए भाई, पांचवें नंबर पे देखिए, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा महाविद्यालय, विज्ञान विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? जबलपुर में। ये कहां पर है भाई? जबलपुर में। और अभी सवाल आएगा कि नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी के यहाँ पे कुलपति कौन बने हैं? प्रोफेसर सीता प्रसाद, ठीक है भाई। चलिए, सही लग रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो छठवें नंबर पर अपन देखेंगे। अच्छा, अभी बताओ छतरपुर में कौन सा समारोह चल रहा है?
छतरपुर में कौन सा समारोह चल रहा है? अखिल भारतीय नाट्य समारोह खंड वो छतरपुर, ठीक है ना, छतरपुर में खजुराहो, खजुराहो। तो इसी तरह से अभी देखिए 6 से 8 के बीच में हम लोग कौन सा समारोह बनाएंगे? ओरछा। और अब की बार जो ओरछा बनाएंगे उसमें हमने क्या नाम दे दिया उसको? नमस्ते ओरछा। अच्छा, ओरछा उत्सव कब से बनाना शुरू किया गया हमने? 1994 से, ठीक है, नमस्ते ओरछा 1994 से। अच्छा, 7वें नंबर पे देखेंगे हमारे यहाँ पे पर्यटन विकास निगम ने एक बात रखी है पूरे राज्य के अंदर, उन्होंने कहा कि भाई जितने भी हमारे यहाँ पर होटल है उन होटल में हम लोगों को अब भोजन अनिवार्य करना है, और भोजन में क्या होगा? कोदो और कुटकी। अब ये कोदो और कुटकी क्या है? ये कोदो और कुटकी विशेष प्रकार के चावल होते हैं, ये सुगर फ्री चावल होते हैं, और ये कोदो कुटकी मुख्य रूप से आदिवासी लोग इसको पैदा करते हैं, इनकी पैदावार आदिवासी लोग करते हैं। तो आदिवासी लोगों को आर्थिक जो है कि सहूलियत भी हो जाएगी, और जो है कि यहाँ पे उनका उनकी पैदावार जो भी पैदा करते हैं वो लोग खाने भी लगेंगे, और यहाँ पर क्या होगा कि मध्य प्रदेश का एक भोजन जो है कोदो और कुटकी वो कहीं ना कहीं उसका प्रचार प्रसार भी हो जाएगा, ये मकसद है इसका, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सवाल आएगा कि मध्य प्रदेश में भी कौन से भोजन को सभी होटल में अनिवार्य कर दिया गया है पर्यटन विकास निगम के द्वारा, तो आंसर क्या होगा? कोदो कुटकी। तो फिर पर्यटन मंत्री कौन है? सुरेंद्र सिंह बघेल। क्या बात है, बिल्कुल आपने याद रखा है। चलो अब अपन एक बार अपन रिपीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूनिफाइड लाइसेंस बनाने में प्रथम राज्य कौन सा? पर्यटन मंत्री कौन है? गोविंद सिंह ठाकुर। अच्छा, वायु गुणवत्ता सर्वे में क्लीन सिटी के रूप में कौन है? तो सीमेंट सिटी, संगीत नगरी। अच्छा, उसके बाद भगोरिया हाट से पहले तोवारिया हाट की शुरुआत होती है कहाँ पर? भगोरिया पर्व किनका, कौन सी जनजाति का है, कहाँ पर मनाया जाता है? आदिराजपुर, धार और बड़वानी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आदिवासी बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की शुरुआत के लिए हम लोग जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं वो कहाँ से करेंगे? भोपाल इंदौर। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री कौन है? रघुराम चौधरी। उसके बाद नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा महाविद्यालय में आप ये कुलपति कौन बने हैं? प्रोफेसर सीता प्रसाद तिवारी, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए हमारे यहाँ पे पशु मंत्री कौन है, पशु चिकित्सा मंत्री कौन है? लाखन सिंह, लाखन सिंह यादव, बिल्कुल सही बात है, पशु, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में ये ओरछा उत्सव हम लोग कहाँ पे, ओरछा कहाँ पर है, कौन से जिले में? निवाड़ी, ठीक है। ओरछा कब से मना रहे हैं? ठीक है, 1994 से। अब की बार नाम दिया गया है नमस्ते ओरछा। अच्छा, और कौन से भोजन को मध्य प्रदेश के सभी होटल में अनिवार्य कर दिया गया है? कोदो और कुटकी, ठीक है भाई। तो ये मध्य प्रदेश का आज का करंट है, ये मैंने आपको बता दिया है, बाद बाकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम, ठीक है भाई, कल फिर मिलेंगे।